जी तो दोस्तों, ये हमारे पास निसान पेट्रोल 2006-07 मॉडल है। इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसको कस्टमर यानी कि टैंकी फुल करवाता है, लेकिन ये जो सी गेज है इसकी, ये पेट्रोल वाली, ये फुल नहीं जाती, यानी कि बिल्कुल थोड़ी सी ही उठती है, आधी टैंकी पे भी नहीं जाती। तो इसको हम लोगों ने चेक किया है, तो इसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अक्सर क्या प्रॉब्लम निकलती है। तो अभी जैसे मैं यहाँ से स्विच को ऑफ़ करता हूँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसकी टैंकी से गेज वगैरह खोल रखी है, वो बाहर निकाल रखी है, ये वाली इसकी गेज है। तो अभी हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे, ये हमारे पास टेस्टर है, इसको यहाँ पे ग्राउंड में हम लोगों ने लगाना है, यहाँ पे कहीं भी अर्थ लगा लेंगे हम लोग। तो ये जो सी येलो वाली वायर है, ये येलो वाली वायर, ये इसकी जो सी है पेट्रोल की है, पेट्रोल गेज की है, मीटर के अंदर है। जो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, जब यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, तो गेज हमारी फुल ऊपर चली जाती है। यहाँ से अभी मैंने डायरेक्ट इसको, यानी कि डायरेक्ट इसको ग्राउंड दिया मैंने, अर्थ दिया डायरेक्ट। तो अभी हम लोग इसको चेक करेंगे, यहाँ पे मैं स्विच को ऑन करूँगा, तो आप लोगों के सामने ये गेज फुल जा चुकी है, फुल ऊपर चली गई है। और अभी मैं यहाँ से इसको ऑफ़ करता हूँ, तो यानी कि टैंकी इसके अंदर से ये फुल नहीं जाती, यहाँ से डायरेक्ट फुल जा रही है। और यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, ये ही वायर, ये येलो वाली वायर यहाँ से ये वाली आ रही है, ये वाली येलो वाली वायर है, और यहाँ से वो बन रही है, ये 2 नंबर ये वाली वायर बन रही है, ये वाली, ओके। और यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट अर्थ दूंगा, तो ये फुल नहीं जाती, यहाँ से ये येलो वाली वायर है, ये आ गई, ये सीधी गेज में आ गई। तो यहाँ से मैं इस डायरेक्ट इसको मैं अर्थ दूंगा, तो हमारी जो सी ये गेज है, अभी मैंने यहाँ से डायरेक्ट इसको ग्राउंड दे दिया है, अभी इस गेज को जाना चाहिए। तो अभी मैं कुछ को ऑन करूँगा, तो गेज फुल नहीं जा रही, आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल हाफ में भी नहीं जा रही, हालांकि यानी डायरेक्ट दे रखा है उसमें अर्थ, इसको फुल जाना चाहिए, तो ये फुल नहीं जा। तो मैं ऐसे इसको ऑफ़ करता हूँ, स्विच को ऑफ़ करने के बाद इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसकी जो उनसे ये वाली वायर है, ये वाली जो इसकी ये वाली वायर है, ये वाली, ये इधर इसमें जो पेंच लगा हुआ है ये लूज़ है, इधर से इधर बिल्कुल ओके काम कर रही है, इधर ओके काम नहीं कर रही। तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे काविये से यहाँ पे टांका लगाना पड़ेगा, यहाँ से इसको टाइट करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी गेज वो ओके हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे काविये से टांका लगा के आप लोगों को बाद में चेक करवाता हूँ, अभी हमारी गेज वो ऊपर जाती है या नहीं जाती। तो फाइनली मैंने इसमें ये टांका वगैरह लगा दिया है, यहाँ पे काविये से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये टांका वगैरह मैंने लगा दिया है, पहले ये ऐसा वाला था, यहाँ से लूज़ हो जाता है ये अक्सर, तो टांका वगैरह मैंने यहाँ पे लगा दिया है काविये से। तो अभी हम लोग इसको ट्राई करेंगे, तो अभी हम लोग यहाँ से इसको डायरेक्ट लगाते हैं, अभी यहाँ से गेज को फुल जाना चाहिए। अभी हम लोग चेक करेंगे इसकी जो से गेज है वो अभी फुल जाती है या नहीं जाती। तो अभी मैं यहाँ पे स्विच ऑन करूँगा, ये आप लोग देख सकते हो, अभी हमारी जो से गेज है ये फुल जा रही है, अभी ये फुल जा रही है, अभी जो से इसका पेट्रोल का लेवल बिल्कुल ओके बताएगी यहाँ पे। फिर मैंने स्विच को ऑफ़ किया, वापस रिटर्न चली गई। तो इसकी जो सी प्रॉब्लम थी, इसकी जो प्रॉब्लम थी, इसकी ये वाली प्रॉब्लम थी, इसका जो सा ये वाला पॉइंट था यहाँ पे, यहाँ से वो लूज़ था, यानी कि करंट बिल्कुल सही पास नहीं हो रहा था, गेज का जो सा लेवल था वो बिल्कुल सही पास यहाँ से नहीं हो रहा था। तो हमारी जो सी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है।